students, welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So friends, once again it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So friends, as we all know that we have started the chapter that is electrostatics. So सबसे पहले हमने electrostatics के सारे fundamentals clear किए. Last lecture में हमने electrostatics का फर्स्ट एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो देखा था. ठीक है, सो बेसिकली गॉस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज कंडक्टर. ओके, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना बहुत जरूरी है. एप्लीकेशन जो है इट जस्ट द डेरिवेशन पार्ट जो आप इजिली कर सकते हो दो से तीन बार लिख के, बट जो लॉ आप यूज कर रहे हो, जो लॉ आप अप्लाई कर रहे हो, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना बहुत जरूरी है. So Gauss law again gives the relationship between electric field and electric charge. Okay, so हमने Gauss law का जो first application देखा था, that was for the uniformly charged hollow sphere or a spherical shell. ठीक है, so now let's see the second application of Gauss law, and it is for the infinitely long straight charged wire. ठीक है, so suppose हमारे पास क्या है, infinitely long straight charged wire है. ठीक है, तो ये चार्ज वायर अपने अराउंड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी. सो इस रीजन में अगर एक मैं पॉइंट कंसीडर करूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी डिटरमाइन बाय यूजिंग गॉस लॉ. ओके, सो लेट्स सी द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, दैट इज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. ठीक है, सो सपोज दिस इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. अब ये वायर स्ट्रेट है, लॉन्ग है, दैट्स ओके, बट देयर इज अ वर्ड इनफाइनाइट, राइट, बिकॉज दिस बोर्ड इज लिमिटेड. ऑन दिस बोर्ड दिस डायग्राम इज वेरी लिमिटेड, सो व्हाई देयर इज अ वर्ड इनफाइनाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये क्वेश्चन अगर आपको अराइज हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, जहाँ पे गॉस लॉ के एप्लीकेशन एंड हो गए, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन व्हाई देयर इज अ वर्ड इनफाइनाइट. ओके, सो सपोज दिस मार्कर इज काइंड ऑफ दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. ठीक है, सो ऑब्वियसली इट्स हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप, तो वैसा ही वायर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, एंड इट्स हैविंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. सो दिस वे वी हैव कंसिडर्ड वन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. सो अब देखो यहाँ पे इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस है, ये चार्जेस क्या करेंगे, अब इस कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से, और जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होगी, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हाट, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट वी कैन से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट इज द गॉस लॉ, द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू क्या होता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. सो यहाँ पे जो चार्ज है, लेट दैट चार्ज बी क्यू, सो दैट इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट वी कॉल इट एज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, सो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमने गॉस लॉ जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म यूज किया है, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सर्फेस हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. सो फॉर दिस चार्ज कंडक्टर जो नेट फ्लक्स होगा, दैट नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो उस रीजन में सपोज मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया पी. ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर किया पी, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यह हमें डिटरमिन करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, सो ये जो वायर हमने कंसीडर किए, सपोज इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, and let this be an axis which is passing through this particular wire. Okay, so let P be a point, suppose this point P is at a distance small r, this point P is at a distance small r from the axis of this wire. Okay, so ye charges is wire ke around electric field create kar rahe hain, to us field mein maine ek point
पॉइंट कंसिडर किया पी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा यह हमें डिटरमिन करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ. ओके सो व्हाट वी हैव कंसिडर, वी हैव कंसिडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर. ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो नाउ यूज द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड बाय यूजिंग अ गॉस लॉ. क्या करते हैं हम, इस पॉइंट पी को लेकर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस. ठीक है, अब गॉसियन सरफेस का जो शेप है दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ योर चार्ज कंडक्टर कि वो कैसा है. फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था दैट वॉज अ स्फेरिकल वन, राइट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज वायर हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप वी विल कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे इस तरह से, लाइक दिस. ओके सो आई हैव कंसिडर वन कोएक्सियल गॉसियन सरफेस. कोएक्सियल मीन्स विच शेयर द सेम एक्सिस, इस वायर की और इस गॉसियन सिलेंडर की जो एक्सिस है वो कैसी है, सेम है. ओके सो आई हैव कंसिडर वन कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर जिसकी लेंथ जो है सपोज हैविंग लेंथ स्मॉल एल, इसकी जो लेंथ है सो लेट दिस लेंथ बी स्मॉल एल. ओके एंड इट्स हैविंग अ रेडियस स्मॉल आर, एंड रेडियस इसकी जो रेडियस है लेट दैट बी स्मॉल आर. ओके सो नाउ द नेट फ्लक्स, व्हाट आई कैन से नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी कितना होगा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, फाइ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट ऑफ डी एस बार. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू. सो इक्वेशन वन इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इक्वेशन टू इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम एक इमेजिनरी क्लोज सर्फेस कंसिडर करते हैं जिसे हमने कहा गॉसियन सर्फेस. सो हियर वी हैव कंसिडर अ कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर जिसकी लेंथ है एल और जिसकी रेडियस है स्मॉल आर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देन वी कंसिडर अ स्मॉल एरिया ऑन दैट गॉसियन सर्फेस. ओके सो सपोज वी हैव कंसिडर ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है. सो अराउंड पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकलना है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिटरमिन करनी है, राइट. सो लेट डी एस बी स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट पी ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर. क्या किया हमने, लेट डी एस बी स्मॉल एरिया किसके अराउंड पॉइंट पी जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिटरमिन करनी है ऑन गॉसियन सिलेंडर. ठीक है, सो नाउ इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज इक्वेशन टू इंप्लाइज फाइ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ऑफ डी एस बार स्केलर प्रोडक्ट इज देयर सो वी कैन राइट इट एज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. ओके सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री वेयर यू नो दैट थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अनदर इज एरिया वेक्टर डी एस बार. सो नाउ फ्रॉम फिगर वी विल डिसाइड द एंगल बिटवीन दिस ई बार एंड डी एस बार. ठीक है, अब देखो सपोज ये आपका ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर है. ठीक है, जिसपे चार्जेस है. ओके अब ये पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं दैट इज शोन बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. और अगर चार्जेस पॉजिटिव हो गए तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसकी डिरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम दैट चार्ज. ओके सो हियर यहाँ पे भी ये जो आपका वायर है जिसके ऊपर चार्जेस है, यहाँ पे जो फील्ड बन रही है दैट फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच विल बी लाइक दिस.
ये इस तरह से जाएगी, हर डायरेक्शन में ये जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से जाएगी रेडियली आउटवर्ड. ओके, सो फॉर दिस केस, फॉर दिस पॉइंट पी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई बार. ओके, रेडियली आउटवर्ड. एंड अनदर वेक्टर इज योर एरिया वेक्टर डीएस बार. सो फॉर दिस स्मॉल एरिया डीएस, अगर ये मेरा स्मॉल एरिया है डीएस सेपरेटली ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर कैसे होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो दिस विल बी योर डीएस बार, राइट? सो दैट मीन्स सेम इज योर डीएस बार. ओके, सो फ्रॉम फिगर इट इज वेरी वेल क्लियर दैट योर ई बार एंड डीएस बार आर पैरेलल. और अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच का जो ये एंगल है थीटा, ये कितना होगा? थीटा विल बी इक्वल्स टू जीरो और कॉस जीरो कितना हो जाएगा? वन. एंड एज कॉस थीटा कॉस जीरो इक्वल्स टू वन, इक्वेशन थ्री क्या होगा? इक्वेशन थ्री इंप्लाइज दिस वन, फाइ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई एंड डी एस. अंडरस्टूड? सो सेफ वाइज हर एक चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. अब देखो, नाउ ई इज वॉट? ई इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, बिकॉज ई बार जब हमने लिखा था दैट रिप्रेजेंट्स डिरेक्शन, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड द डिरेक्शन, सो नाउ ई रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. एंड यू नो दैट दिस चार्ज वायर इज हैविंग अ सिमेट्रिकल शेप. सो बिकॉज ऑफ अ सिमेट्रिकल शेप, हर डिरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे रहेगा? सेम रहेगा, राइट? दैट मीन्स एज ई इज यूनिफॉर्म, ई क्या है आपका? यूनिफॉर्म है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज यूनिफॉर्म. वाई? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर. एंड एज इट्स यूनिफॉर्म यू कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई कैन राइट फाइ इक्वल्स टू सिंपली ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक. सो फाइ इज इक्वल्स टू ई इंटू, अब यहाँ पे डी एस क्या है मुझे बताओ? यहाँ पे डी एस क्या था? डी एस वॉज द स्मॉल एरिया ऑफ गॉशियन सिलेंडर, राइट? अगर ये डी एस इस गॉशियन सिलेंडर का स्मॉल एरिया है तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंटायर एरिया ऑफ गॉशियन सिलेंडर. नाउ फॉर द गॉशियन सिलेंडर हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस आर, एरिया क्या हो जाएगा गॉशियन सिलेंडर का? 2πRL. ओके, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 2πRL. ये कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट समझ के लो आप, ठीक है? डी एस इज अ स्मॉल सर्फेस एरिया ऑफ दिस गॉशियन सिलेंडर एंड इफ आई इंटीग्रेट इट I'll get the entire surface area of Gaussian cylinder. Now for the cylinder having length L and radius R, area kitna ho jayega? 2πRL, which is the area of cylinder. That means this term will be replaced by 2πRL. Understood? So now next, let this be next equation number. What is that? It is equation number 4. Okay. Now you just observe the equation number 1 and equation number 4. Left hand side is same, so you can easily equate the right hand side. So I can say from equations 1 and 4, what I can write? I can equate the right hand side. So I can write Q upon epsilon naught is equals to what? Is equals to E into 2πRL. Okay, and what I want the electric field intensity at this point P. So electric field intensity is this capital E. So capital equals to kitna ho jayega? E equals to ho jayega Q upon 2πεorL. Okay, so this is the required expression for electric field intensity at point P at distance small r from the axis of this infinitely long straight charge wire. Understood? Ab yahan pe is wire ke upar, इस वायर को आप इसे कंसिडर कर लो. इस वायर के ऊपर चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? यूनिफॉर्म है. एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, जो मैंने आपको बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. ओके, अगर हमें नहीं समझता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है तो एक तो पता है, यू जस्ट ऑब्जर्व द ज्योमेट्री ऑफ फिगर. नाउ योर वायर, this is your wire, your charge conductor is a kind of wire, so obviously wire will have a linear structure, so we will go with which charge density?
लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर आपके पास कोई शीट है तो उसे क्या रहेगा, वो मतलब 2D स्ट्रक्चर है, उसे एरिया रहेगा, तब कौन सी डेंसिटी यूज करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर आपके पास 3D स्ट्रक्चर है लाइक अ क्यूब जिसे वॉल्यूम है, तो कौन सी डेंसिटी यूज करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे जो आपके चार्जेस है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ दिस वायर एंड दैट्स व्हाई लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। सो इस पे से हम क्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। अगर ये क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करें, सो 5 इंप्लाइज इक्वेशन 5 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है लैम्डा एल, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, सो आई कीप दिस एज इट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। सो यू कैन सी दिस एल एंड दिस एल विल गेट कैंसल, सो ई विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, अगर न्यूमेरिकल में आपको चार्ज दिया है या फिर ये टर्म्स दिए हैं, लेंथ वगैरह दी है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। अगर आपको डायरेक्टली लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, सो गो विद दिस इक्वेशन। ओके, सो चॉइस ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन इन अ न्यूमेरिकल, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, विच इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कोई यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो सिंपल सा गॉस लॉ यूज किया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यूज की है, गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, उसका स्मॉल एरिया कंसिडर किया, उस पे से ई बार और डीएस बार की डायरेक्शन डिसाइड की, एंगल डिसाइड किया, इस तरह से इक्वेशंस को इक्वेट किया, सो वी गॉट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। सो आपको जो है डेरिवेशन को रटना नहीं है, आपको स्टेप्स ध्यान में रखनी है, आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू इसे डील करना है, ठीक है। सो गो विद दिस, इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट एनी डिफिकल्टी पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। Till then, stay studious, stay curious. Thank you.